कल इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम इंडिया जो मुकाबला खेल रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम इंडिया जो है वो टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो रोड रोलर की तरह नेदरलैंड को कुचल के क्रश करके आ रही थी। लेकिन कल जिस तरह से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पटक दिया भाई, दिल गदगद हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमें अंदर से इतनी खुशी हो रही कि हम आपको बता नहीं सकते। खुशी हमें जीत की तो हो रही है, साथ साथ हमें खुशी इस बात की और ज्यादा हो रही है कि एक टीम जो कि एक मैच में 6-6 कैचेस छोड़ दे, जहां हर फील्डर गुपचले बाघा, अरे बाघा ससुर कैच तो कर ले, लेकिन नहीं, बाघा कैच नहीं कर रहा था, उसके बावजूद हमारी टीम जीत गई। आई लाइक इट, आई जबरदस्त लेवल से लाइक दिस मैच, बिकॉज ये जो टीम है हमारी, जो टीम इंडिया T20 की, इसमें विराट कोहली नहीं है, कोहली उर्फ चोकले नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, इंजरी मैन केएल राहुल भी नहीं है, इसके बावजूद हमारी टीम जीत गई। और हमारी टीम किस अंदाज में जीती आपने अच्छे से देख लिया। कुंगफू पांड्या जो कि करण जौहर के शो में जाने के बाद से इतनी गालियां खा रहा था, लेकिन उसके बाद से उसने जो एक सेटबैक मिला, उसके बाद से जो कमबैक किया है, GT को IPL जिता दी और वही फॉर्म उसने यहां कंटिन्यू किया, वल्ला हबीबी मजा आ गया हमको तो देख करके। 50 मारता है कुंगफू पांड्या, साथ में 4 विकेट भी लेता है, और जिस अंदाज में भुवनेश्वर कुमार ने पहली ही बॉल पर बोल्ड कर दिया जोस बटलर को, और जेसन रॉय जिसने तकरीबन 16 गेंदें खेली और बनाए सिर्फ 4 रन, मतलब ये है इंग्लिश टीम जो नेदरलैंड के सामने शेर की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन हमारे आईपीएल के शेरों के सामने इंग्लैंड के शेर ढेर हो गए हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस टीम से बाहर जाएगा कौन। इस टीम में है दीपक हुड्डा, जिसने नंबर 3 पर बैटिंग तो शुरू में मजबूरी में की थी, लेकिन अब उसे मजा आ रहा है। कल उसने आते सही मोइन अली को 2 छक्के मारे, वो मोइन अली जिसने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि जो दीपक हुड्डा वो थोड़ा डर डर के खेलेगा, लेकिन नहीं, दीपक हुड्डा ने आके दिखा दिया जलवा है हमारा यहां। तुम होगे मोइन अली या कोई से भी अली, लेकिन हमारा नाम भी दीपक है, और अगर नाम में दीपक है तो सामने वाले को जलाकर राख करने की क्षमता ये दीपक रखता है। दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या जबरदस्त अंदाज में, और सूर्य कुमार यादव को हम कैसे भूल सकते हैं। अरे दादा मजा आ गया, मतलब सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, ये लोग तो चल रहे हैं। बाहर बैठेगा कौन, किसकी जगह आएगा विराट कोहली, किसकी जगह आएगा जसप्रीत बुमराह, क्योंकि हर्षल पटेल कहिए, अर्शदीप कहिए, भुवनेश्वर कुमार कहिए, चहल कहिए, सब तो चल रहे हैं, बाहर कौन बैठेगा भाई साहब। जो भी बाहर बैठेगा वो बड़े लेवल की कुर्बानी देगा, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम इन खिलाड़ियों ने दे दिया है, लेकिन कुर्बानी देगा कौन, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, बिकॉज किंग कोहली को फॉर्म जो प्राप्त करना है, किंग कोहली के फैंस को खुश जो करना है BCCI को, तो किसी ना किसी की कुर्बानी तो ली जाएगी। आई थिंक कुर्बानी देगा ईशान किशन, क्योंकि बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो एक अकेला ईशान किशन ही है जो कि थोड़ी सी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। रोहित शर्मा कप्तान है, वो तो बाहर जाएगा नहीं, ईशान किशन ने रन नहीं बनाए, वो एकदम जेसन रॉय बन गया था हमारी टीम इंडिया का, बॉल ज्यादा खेली रन कम बनाए, वो बाहर जाएगा, क्योंकि बॉलिंग में देखा जाए तो अक्षर पटेल बाहर जाएगा, तो फिर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसा फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। दीपक हुड्डा को आप हटा नहीं सकते, स्काई को आप हटा नहीं सकते, आप हार्दिक पांड्या को हटा नहीं सकते, तो भैया ये 3-4 नाम तो फिक्स हो गए हैं। अब विराट कोहली आ जाएगा ईशान किशन की जगह, लो भैया हमारी प्लेइंग 11 परफेक्ट हो गई। उधर चहल है, भुवी है, और उधर बुमराह भी आ जाएगा, और हर्षल पटेल और अर्शदीप में किसी न किसी एक को तो आप खिलाएंगे, और जिस तरह से अर्शदीप ने कल डेब्यू किया है मजा आ गया। ये सारी चीजें अच्छी गई हैं, लेकिन इसमें कमजोरियां भी बहुत है। हमने 6-6 कैचेस छोड़ दिए हैं, दिनेश कार्तिक कहिए या बाकी फील्डर्स कहिए, 6-6 कैचेस छोड़ने के बावजूद अगर आपकी टीम जीत गई है तो ये मिराकल मिराकल ये मिराकल से कम नहीं है, और ये मिराकल हमने देखा कल। अब कल एक और मैच होगा, उसमें देखते हैं हमारी टीम इंडिया यही मिराकुलस अंदाज दिखाती है, या फिर वन मैच वंडर वाली पीपड़ी जो हम बजाते आए हैं शायद उसी ट्रैक पर हम वापस चल पड़े, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को जबरदस्त चोट लगी है। अब इंग्लैंड की जो टीम है वो जख्मी शेर बन चुकी है, अब ये जख्मी शेर हमसे 3 गुना लगान वसूल खोटे हैं या नहीं, ये तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जोस बटलर ताबड़तोड़ अंदाज में फॉर्म में चल रहा था, अब इनकी टीम में भी कुछ चेंजेस होंगे, अब ये हमसे 3 गुना लगान वसूल करेंगे या 3 गुना लगान ये हमको चुका के देंगे, ये हम देखेंगे कल। आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से एक इंटेंट दिखाया था टीम इंडिया ने, आते से ही धागा खोलने की शुरुआत कर दी थी रोहित शर्मा ने, मोमेंटम को और रन रेट को एक सेकंड के लिए भी डिप नहीं होने दिया हार्दिक पांड्या ने, सूर्य कुमार यादव ने। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी फिनिश अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की थी, हमें इजीली लग रहा था कि हम लोग आराम से 230-235 तो बना ही लेंगे, लेकिन हम 200 नहीं बना पाए, लेकिन इसके बावजूद हम तकरीबन 50 रनों से जीतते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपका क्या कहना कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने
समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।